हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का वेलकम है इंडियन मॉम अनु फिटनेस एंड लाइफ स्टाइल में। सर्दियों में अक्सर आपने देखा होगा कि बच्चे काफ़ी बीमार पड़ते हैं, लाइक उनकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो जाती है। बच्चे तो छोड़िए, हम बड़े भी कई बार बीमार पड़ जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं, लो एनर्जी रहते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या कारण है? जी हाँ, मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि हमारा जो इंडियन डाइट प्लान है, स्पेशली जो हम वेजिटेरियंस हैं, उनको पूरे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फुलफिल नहीं हो पाते, लाइक विटामिन्स, कैल्शियम, मिनरल्स, हमारे प्रोटीन, वो हमारे खाने से फुलफिल नहीं हो पाते हैं, जिसके लिए हमें अपने जो पूरे दिन का मील है उसमें कुछ एडिशनल ऐड करने की ज़रूरत है, लाइक सुपर फूड जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए हमें इंक्लूड करना है अपने डाइट पे कुछ ऐसे सुपर फूड्स या डेलिकेसीज जो कि हमें अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, हमारे इम्यून सिस्टम पे वर्क करे। आप सब जानते हैं विंटर्स में हमें कुछ एक्स्ट्रा भूख लगती है, हंगर पैंग्स ज़्यादा होते हैं, जिसमें हम कुछ एक्स्ट्रा खा लेते हैं जो कि प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, हमारी बॉडी को नहीं लगता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि क्या क्या आपको इंक्लूड करना अपने डाइट पे, स्पेशली पूरे विंटर्स पे। और आप विश्वास मानिए, आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी बॉडी में जो फुलफिलमेंट है वार्म अप होने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को हाई रखने के लिए, जिससे आप बार बार बीमार ना पड़े, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये जो चीज़ आइडिया आया है वो मुझे रुजुता दिवेकर के सजेशन से आया है। आप सब जानते हैं कि अ वेरी फेमस डाइटिशियन रुजुता दिवेकर को मैं काफ़ी सालों से फॉलो कर रही हूँ, उनकी डाइट प्लान्स, उनके वेट लॉस टिप्स वगैरह, और मैंने काफ़ी हद तक अपने वेट को लूज़ किया है उनके डाइट प्लान को फॉलो करने के लिए, और अब तो वो मेरी लाइफस्टाइल का पार्ट बन गया है। तो उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि विंटर्स में कुछ ऐसे 5 सुपर फूड, हेल्दी सुपर फूड आइडियाज़ दिए थे जिसको आप अपने डाइट पे इंक्लूड कर सकते हैं अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करने के लिए। तो चलिए वन बाय वन करके वो सारे हेल्दी डेलिकेसी सुपर फूड हम देख लेते हैं, और किस सोर्स से हमें वो सारे सुपर फूड अपने डाइट पे इंक्लूड करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, सजेस्ट करूंगी कि किस वेरिएशन में आप उसे ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वो सारे 5 सुपर फूड हम देख लेते हैं जो कि हमें इस विंटर फॉलो करने लेने हैं। सो वेरी फर्स्ट सुपर फूड विच इज़ सजेस्टेड बाय रुजुता दिवेकर इज शुगर केन, जिसको हम गन्ना बोलते हैं। इट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ नेचुरल विटामिंस, मिनरल, आयरन, मैग्नीशियम, एंड इट इज़ द बेस्ट डिटॉक्स फूड विच रिवाइटलाइज्ड लीवर एंड कीप द स्किन ग्लोइंग। तो ये आप ले सकते हैं जूस के फॉर्म में, या फिर आप इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐसे चूस के खा सकते हैं। नेक्स्ट सुपर फूड विच इज सजेस्टेड बाय रुजुता दिवेकर इज बेर। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन और आपके बोन्स के लिए तो काफ़ी अच्छा है इस ठंड में, क्योंकि ठंड में जो हमारी बोन्स और जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है ना, वो इंक्रीज़ हो जाती है। ऑल्सो ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम पे वर्क करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और ये बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा, इसको खाने का जो अच्छा तरीका है वो तो ये, या तो आप इसे एज अ फ्रूट खाएं, या आप इसे ड्राइड करके भी खा सकते हैं, या फिर इस तरीके का इसका पिकल बनता है तो आप पिकल फॉर्म में भी इसे ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट सुपर फूड है विच इज़ सजेस्टेड बाय रुजुता दिवेकर, दैट इज़ टैमरिंड, जिसको हम इमली भी बोलते हैं। इट इज़ फुल ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम एंड इट इज़ गुड फॉर डाइजेशन। जैसे कि मैंने बताया, हम विंटर्स में ओवर ईटिंग बहुत कर लेते हैं क्योंकि हमारा हंगर पैंग्स ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से ये इमली जो है वो आपको बहुत सुपर फूड जैसा वर्क करेगी। तो इसको हमें लेना कैसे, या तो आप इसका पेस्ट बना लीजिए और इसे हर फूड में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आप खटाई यूज़ करते हैं वहाँ ऐड कर सकते हैं, सांभर वगैरह में ऐड कर सकते हैं, चटनी इसकी बनाकर आप एज अ डिप इसे ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से इसके कैंडीज बना लीजिए गुड़ के साथ, जैगरी के साथ, तो आप उसको अपने मील में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इमली को, टैमरिंड को यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है टैमरिंड की, तो जो भी है वो बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाना है, या फिर आप इसे एज अ ड्रिंक, जो टैमरिंड वाटर होता है उसके फॉर्म में भी आप इसे ले सकते हैं, वो भी बहुत ही फ़ायदा करता है। नेक्स्ट सुपर फूड है आंवला, जिसको हम गूसबेरी भी बोलते हैं, एंड इट इज़ अ पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड अमेजिंग एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर भी है, ये आपके इम्यून सिस्टम पे काफ़ी वर्क करता है, विंटर्स के लिए तो ये सुपर फूड ही है। तो इसको आप ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अचार,
चटनी ड्राई ले सकते, ड्रिंक्स के फॉर्म में ले सकते हैं, किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पे शेयर करूँगी एक बेस्ट फॉर्म जो आप सब इस विंटर लेना पसंद करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने सुना है सर्दियों में च्यवनप्राश भी हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है, तो मुझे लगा मुझे भी ट्राई करना चाहिए। मार्केट में वैसे काफ़ी ब्रांड्स हैं च्यवनप्राश के, लेकिन मैंने काफ़ी बारीकी से स्टडी करने के बाद ये च्यवनप्राश सिलेक्ट किया है, दैट इज़ हार्टिकल्चर च्यवनप्राश। हार्टिकल्चर च्यवनप्राश में आम च्यवनप्राश की तरह किसी भी तरीके का रिफाइंड शुगर नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। और ये जो च्यवनप्राश है वो बना है 3000 साल पुरानी आयुर्वेदिक किताब चरका संहिता के अनुसार, जिसमें च्यवनप्राश की ओरिजिनल रेसिपी है। इसमें है 8 जड़ी बूटियों का मिश्रण जो है अष्टवर्गा। ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार अष्टवर्गा का होना च्यवनप्राश में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अष्टवर्गा आसानी से नहीं मिलता है, ये एक स्पेशल हर्ब है। तो हार्टिकल्चर 8 जड़ी बूटियों को हिमालय से लेकर आता है, जो कि बिल्कुल शुद्ध और असली च्यवनप्राश को बनाने में हेल्प करता है। इसके नियमित सेवन से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, कमजोरियों को हटाता है और आपकी पूरी सेहत का ध्यान रखता है। आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको इस पैकेट में दिखाती हूँ कि इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आपको इस च्यवनप्राश को अगर आप रेगुलर बेसिस में लेते हैं तो फ़ायदा होता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें है आंवला, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जिसकी आपको खूबियाँ मैंने बताई। तो ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि च्यवनप्राश को और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है। इसमें जो स्मॉल साइज़ के आंवला होते हैं, जिसको फॉरेस्ट से लाया जाता है, जो हाईली इन एंटीऑक्सीडेंट एंड विटामिन सी होता है, जो कि आपके बॉडी को टॉक्सिन से रिमूव करता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो इसमें इंग्रेडिएंट दिखा रहे हैं वो है बिलोना घी। आप सब जानते हैं, यहाँ पे मैंने रुजुता दिवेकर की बात करी तो वो हमें सजेस्ट करते हैं कि पूरे दिन में आपको 1-2 चम्मच घी ज़रूर ऐड करना है अपने डाइट में। तो इस च्यवनप्राश में आपको ये घी भी मिलेगा, दिस इज़ अ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ घी। इसमें तुलसी और हनी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि च्यवनप्राश में एक्स्ट्रा स्वीटनर होता है, जो कि आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा नहीं होता है। तो इसमें किसी भी तरीके की रिफाइंड शुगर नहीं होती है, इसमें डलता है ये तुलसी हनी, जो कि इस च्यवनप्राश में एक मिठास भी लाता है, जो च्यवनप्राश का कड़वापन होता है उसे रिमूव करता है, साथ ही साथ आपके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। साथ में इसमें है वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड सेसमे ऑयल। आप सब जानते हैं कि सेसमे ऑयल भी हमारे हेल्थ के लिए, स्पेशली इन विंटर्स के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये सारी चीज़ें आयुर्वेदिक हैं, ओरिजिनल है, ये एक प्योरेस्ट फॉर्म है च्यवनप्राश का। तो इसको आप ले सकते हैं, इसको बड़े बच्चे कोई भी, इसे जो 3 साल से ऊपर के हैं वो इनको ले सकते हैं। जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही स्मूद है। तो मैं आपको पैकेट खोल के दिखाती हूँ, इसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर पैकेजिंग। और कोई भी प्लास्टिक के डब्बे में ये नहीं आता है, ये आता है इस तरीके की कांच की बर्नी में, कांच की ये इस तरीके का बॉटल है जिसमें ये च्यवनप्राश आता है। तो आप रात में सोने से पहले दूध के साथ 1 चम्मच च्यवनप्राश ले सकते हैं। तो रात को सोने से पहले मैं और मेरी फैमिली इस च्यवनप्राश को लेना बिल्कुल नहीं भूलते। हमने ऑलरेडी एक बॉटल फिनिश कर चुके हैं, ये सेकेंड बॉटल है च्यवनप्राश की, और इसका टेस्ट अमेजिंग है, मुझे और मेरी फैमिली को काफ़ी पसंद है ये च्यवनप्राश। और इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूद है, खाने में बहुत ही अच्छा है। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मेरे बेटे को भी इसका टेस्ट बहुत पसंद है, इसमें जो हनी की स्वीटनेस है ना उसको बहुत पसंद है। मैं डर रही थी कि कहीं उसको आम च्यवनप्राश की तरह कड़वा ना लगे, बट ऐसा नहीं हुआ, उसने काफ़ी इन्जॉय किया। इवन मैं और मेरी पूरी फैमिली इसे रोज़ खाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिट्स है। और आप देख सकते हैं, जो भी मैं आपको 5 सुपर फूड्स दिखा रही हूँ ना, इन सारे सुपर फूड्स की जो क्वालिटी है, न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो सब आपको इस च्यवनप्राश में मिलेगी। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगी कि बाय करें। इसे परचेस करने के लिए आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Amazon 2022, क्योंकि मैंने अपने एक फ्रेंड से ये कूपन कोड लिया था जिससे मुझे डिस्काउंट मिला था। अगर आप भी डिस्काउंट चाहते हैं तो सेम कूपन कोड यूज़ करें।
चलिए अब लास्ट में हम बढ़ते हैं फिफ्थ सुपर फूड की तरफ, जो है तिल और गुड़। आप सब जानते हैं सर्दियां आती, संक्रांति आती, हम तिल के लड्डू वगैरह खाना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो पीक टाइम रहता है विंटर्स का। तो यहाँ पर हम तिल गुड़ लेंगे क्योंकि इसके अंदर एक वॉर्म नेचर होता है जो हमारी बॉडी को ठंड से प्रोटेक्ट करता है और इम्यूनिटी में भी वर्क करता है। इसमें कुछ एसेंशियल फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी की HDL को बढ़ाता है, जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको बढ़ाता है, और बोन्स जॉइंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसे भी आप अपने डाइट पर ज़रूर शामिल करिए। इसको आप ले सकते हैं एज ए तिल गुड़ को ऐसे ही रोस्ट करके खा सकते हैं, तिल को रोस्ट करके खाना इंपॉर्टेंट है, या फिर आप इसे लड्डू के फॉर्म में खा सकते हैं, आप इसे ऐसे चिक्की के फॉर्म में खा सकते हैं, या फिर आप तिल गुड़ का मिक्सचर बना के उसको पराठे में बना के एज ए ब्रेकफास्ट भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इस तरीके से खाने का। तो ये 5 सुपर फूड जो है वो आपको इस विंटर शामिल करना है। साथ में जो च्यवनप्राश मैंने बताया है उसे आज ही ऑर्डर करिए क्योंकि बेस्ट च्यवनप्राश है, बिल्कुल आयुर्वेदिक ओरिजिनल च्यवनप्राश है। तो उससे भी आप ऑर्डर करके अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं और इस 5 सुपर फूड के जो भी बेनिफिट्स है आपको इस एक च्यवनप्राश में ज़रूर मिलेगा। कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसी तरीके की वीडियोस मैं लेकर आऊँगी। चलिए इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, इस विंटर्स को एंजॉय करिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।